फिर प्रवासी मजदूर महानगरों में लगे नाइट कर्फ्यू से घबराकर झारखंड का रुख करने लगे हैं। और ऐसे वक्त में जब संक्रमण कम होने की उम्मीद की जा रही है, बड़े पैमाने पर लोगों की घर वापसी से बीमारी के और बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर लोग बोरिया बिस्तर बांधकर झारखंड की ओर लौटने लगे हैं। ये नजारा हटर स्टेशन का है। दक्षिण भारत से आ रही ट्रेन एक बार फिर पुराने घर वापसी का नजारा पेश कर रही है। पिछले एक हफ्ते से झारखंडी मजदूरों की आवक फिर से बढ़ गई है। वापसी का कारण भले ही कोई एक ना हो, मगर लोग बड़े पैमाने पर घर वापसी कर रहे हैं। घर आ रहे हैं सर, उधर अब काम कर रहे थे केवल लाइन में, तो अब घर आने का टाइम हो गया, इसलिए आ रहे हैं। कितना दिन पर आ रहे हैं? 3-3.5 महीना होगा। आपस आने कारण तबीयत खराब हो गया था, इसलिए आया। घर में अभी रहेंगे। ऐसा ही सर, बहुत दिन हो गया। हाँ, 1 साल हो गया। काम करते थे केबल लाइन में। हाँ सर। दरअसल महानगरों में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। मजदूरों को नाइट शिफ्ट में काम मिलना बंद हो गया है। लॉकडाउन भले ना लगा हो, फैक्ट्रियां भले ही चल रही हो, लेकिन लोग बढ़ती बीमारियों के संक्रमण से घबरा कर भी घर वापस आ रहे हैं कि कहीं ट्रेन बंद ना हो जाए। तो सबसे पहले अभी तक नाइट कर्फ्यू जहाँ भी स्टेट्स है और जहाँ से भी मेजरली जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात हो गया, बेंगलोर के साइड हो गया, केरला हो गया, ये सदर्न पार्ट में जा रहे हैं, तो देखा गया है कि अभी तक नाइट कर्फ्यू ही लागू है और वीकेंड कर्फ्यू है, जिसके वजह से भी फैक्ट्रियाँ और जो भी एस्टैब्लिशमेंट की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ खुली हुई है, और इस वजह से भी मजदूर कम संख्या में आ रहे हैं। सिविल सर्जन भी मानते हैं कि लोगों का आगमन ऐसे समय में खतरनाक हो सकता है, लिहाजा उन्होंने तमाम रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर बिना जांच के किसी को भी अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है। रफ्तार थोड़ी कम हुई, कई कारण है उसके, कि RT-PCR ये सब वायल भी अभी स्टॉक की कमी कुछ है। कभी हम लोग कोडरमा से, हजारीबाग से, चतरा से, जामतारा से, जहाँ तहाँ से लेके अभी हम लोग कर रहे हैं। कल गवर्नमेंट में NHM से भी मिला है, लेकिन पूरी सप्लाई जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ी कम है, और लोग में भी जांच कराने का इंटरेस्ट बहुत कम हो। यही कारण है कि राजधानी रांची का संक्रमण ग्राफ लगातार बढ़ता है और दूसरे शहरों का सामान्य रहता है। दरअसल ये यात्री ही होते हैं जो रांची में उतरते हैं और रांची में जांच करवाते हैं, लिहाजा संक्रमित लोगों की पूरी गिनती रांची के अकाउंट में ही डाल दी जाती है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन कुणाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।